इलेक्ट्रोलर बोर्ड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। पहले कोर्ट ने मई में सुनवाई करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में कोर्ट एक महीने पहले सुनवाई को तैयार हो गया। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई को हुआ तैयार और क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। इलेक्ट्रो रेल बॉन्ड से जुड़े केस में सुनवाई सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच 11 अप्रैल को करेगी। पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख दी थी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और चुनावों के दौरान इस मामले में सुनवाई की जाती है, तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इसका गलत इस्तेमाल होगा, जिसके बाद सीजेआई ने 11 अप्रैल की तारीख दे दी है। सीजेआई ये भी तय करेंगे कि मामले की सुनवाई संवैधानिक बेंच को करनी चाहिए या फिर नहीं। आज हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र कोर्ट को सौंपा गया, जिसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट में एडवोकेट शादान फरासत ने सीजेआई से अपील की है कि मामले की सुनवाई संवैधानिक बेंच करे। लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर कोई ठोस फैसला बेहद जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट चुनाव से जुड़े 3 अहम मामलों पर सुनवाई कर रहा है। पहला, इलेक्ट्रोरेल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल है। दूसरा, राजनीतिक दलों को 2005 के RTI एक्ट के दायरे में लाने की अपील। और तीसरा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं को रखा गया है। दरअसल 2017 में केंद्र की मोदी सरकार इलेक्ट्रोरल बॉन्ड की योजना लाई थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड को खरीद सकता है और इसे भी राजनीतिक दल को चंदा के रूप में दे सकता है। बॉन्ड पर खरीदने वाले का नाम नहीं होता था, राजनीतिक दल इसे कैश करा लेते थे, लेकिन इसका फायदा सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को मिल रहा था। पहली बार साल 2017 में ही ADR की ओर से इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। बाद में CPM, NGO, कॉमन कॉज और कुछ अन्य की ओर से भी याचिकाएं डाली गई। चुनाव आयोग भी स्कीम पर सवाल उठा चुका है, क्योंकि इसमें चंदा देने वाला कौन है उसका पता ही नहीं चलता। DB लाइव की रिपोर्ट।